press the bell icon on the YouTube app and never. ऐसे ही बिल्कुल है ना. तो मैंने मैंने तो कई बार बहुत सारी लड़की यूट्यूबर्स हैं, मैंने उनको टोका भी है कि अच्छा अब ये जो तुम इलम बोल रही हो तो जरा इसको हिज्जे करके बताओ, तो ये इलम हुआ कैसे, इसमें तशदीद आया कैसे, इसमें जबर आया कैसे, ये तो इल्म है. तो इल्म. मेरा मैंने जितना रिसर्च किया है, मेरी जितनी मैंने जितना इसमें डीप डाउन जा करके देखा है, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान और भारत के मुसलमान 99% जाहिल हैं, जिनको अपने मजहब के बारे में नहीं पता है, जिनको मौलवी मुल्लाओं ने कहा है चोरी करो, बलात्कार करो, जमीन हड़पो, झूठ बोलो, अत्याचार करो, हिंदुओं को काफिर बोलो, गला रेतो, ठरकबाजी करो, गाली दो, गलोच करो, औरतों को बुरा भला बोलो, औरतों के कपड़े उतारो, जबान से उतारो, हाथ से उतारो, अपने पैंट का जिप खोलो और औरतों को तुम अपने बिस्तर का सामान बनाओ और उसके बाद मर जाओ अगर इन सब चीजों में, तो तुमको ऊपर जन्नत जा करके 72 वर्जिन हूरें मिल जाएंगी. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बांग्लादेश में जितने भी मुसलमान अभी इस, क्योंकि आप किसी को मारने के लिए खड़े होते हैं एक काफिला लेकर के, तो आपके भी 10 लोग मरते हैं, सामने वाले का अगर 100. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने भारत का जो सबसे बड़ा लैंड माफिया है यानी वक्फ बोर्ड, उसको सपोर्ट किया है. तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया इलाही खान जी की जबरदस्त राय. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था. तो इसे भी अंत तक देखें. जय हिंद जय भारत. क्योंकि हमारे भारत में 99% ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अल कुरान बामायने पढ़ा ही नहीं है, वो अरबी पढ़ना जानते हैं लेकिन अरबी को समझना नहीं जानते हैं. मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट यूके में अरेस्ट हुआ था, ये शायद मैं 1998 या 1997 की बात मैं आपको बता रही हूँ. पाकिस्तान का एक टेररिस्ट यूके में अरेस्ट हुआ था और जब उससे उसके बैग से बहुत सारे चिट्ठियां निकली थी, बहुत सारी चिट्ठियां निकली थी, तो उसने बोला जो ऑफिसर्स थे तो उन्होंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है मुझे तुम बताओ, तो वो कहा कि ये अरबी में लिखा हुआ है साहब, मुझे अरबी पढ़नी आती है पर अरबी समझनी नहीं आती है. तो यूके के उस ऑफिसर ने कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो जिस भाषा को तुम पढ़ सकते हो लेकिन उस भाषा को तुम समझ नहीं सकते हो, तो तुम तो मुसलमान हुए ही नहीं क्योंकि तुमने तो अपना मजहब समझा ही नहीं है. नहीं समझा. तुमको जो ये चिट्ठी आई है इस चिट्ठी पर तुम काम कैसे करोगे, तो उसने कहा कि ये अरबी में इसलिए आई है ताकि कोई दूसरा ना पढ़ सके और मेरे पास एक एप्स है जिससे एक सिस्टम है जिससे मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ उर्दू में. अच्छा पाकिस्तान के लोग जो है मुजफ्फर भाई वो सही से उर्दू भी नहीं बोलते हैं, इल्म को इल्म बोलते हैं, बाहर को बाहेर बोलते हैं. ऐसे ही बिल्कुल है ना. तो मैंने तो कई बार बहुत सारी लड़की यूट्यूबर्स है, मैंने उनको टोका भी है कि अच्छा अब ये जो तुम इल्म बोल रही हो तो जरा इसको हिज्जे करके बताओ, तो ये इल्म हुआ कैसे, इसमें तशदीद आया कैसे, इसमें जबर आया कैसे, ये तो इल्म है. तो इल्म. मेरा मैंने जितना रिसर्च किया है, मेरी जितनी मैंने जितना इसमें डीप डाउन जाकर के देखा है, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान और भारत के मुसलमान 99% जाहिल हैं, जिनको अपने मजहब के बारे में नहीं पता है, जिनको मौलवी मुल्लाओं ने कहा है चोरी करो, बलात्कार करो, जमीन हड़पो, झूठ बोलो, अत्याचार करो, हिंदुओं को काफिर बोलो, गला रेतो, ठरकबाजी करो, गाली दो, गलोच करो, औरतों को बुरा भला बोलो, औरतों के कपड़े उतारो, जबान से उतारो, हाथ से उतारो, अपने पैंट का जिप खोलो और औरतों को तुम अपने बिस्तर का सामान बनाओ और उसके बाद मर जाओ अगर इन सब चीजों में, तो तुमको ऊपर जन्नत जा करके 72 वर्जिन हूरें मिल जाएंगी. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बांग्लादेश में जितने भी मुसलमान अभी इस, क्योंकि आप किसी को मारने के लिए खड़े होते हैं एक काफिला लेकर के, तो आपके भी 10 लोग मरते हैं, सामने वाले का अगर 100 मरता है तो आपके भी 10 मरते हैं.
तो वो 10 जिहादी 72 वर्जी मूर के पास अब तक पहुंच करके अय्याशियां पेल रहे होंगे, इतना मुझे समझ में आ रहा है। सो दिस वक्फ बोर्ड इज अ क्वाइट लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। अब मैं आती हूँ आपके पास, सिर्फ 2 मिनट लूंगी राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी कुछ दिन पहले इस्लाम में अभय मुद्रा ढूंढ रहे थे, मैंने केस किया है उनके ऊपर। जब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि अल कुरान में इस्लाम में अभय मुद्रा बिल्कुल नहीं है, नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी कि ये अपनी तरफ से ये दूसरे मजहब के अंदर ये घुसने की कोशिश करे, लेकिन इनको पता ही नहीं कि है या नहीं है, वो तो हमने तो नहीं कभी सुना। हाँ, तो मैंने राहुल गांधी जी के ऊपर एक पर्टिकुलरली एक केस किया है और मैंने पूछा है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि अल कुरान में इस्लाम में अभय मुद्रा का जिक्र कहाँ पर है। दूसरा, फिर उन्होंने संसद के लोकतंत्र के मंदिर के संसद के पटल पर उन्होंने कहा कि इस्लाम देखिए बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई भी मस्जिद में जा सकता है। अब मैंने उनसे ये भी पूछा है कि भारत के सभी मस्जिदों का डेटा मैं आपको भेजती हूँ, आप उसमें बताइए मुझे कि औरत के लिए नमाज पढ़ने की मखसूस जगह कहाँ पर है और क्या प्रियंका वाड्रा को लेकर के आप मस्जिद जा सकते हैं, अपनी ही खुद की बहन को लेकर के आप मस्जिद जा सकते हैं, ये मैंने उनसे पूछा है। अब कल उन्होंने संसद के पटल पर एक सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी लेने के लिए और न्यूज चैनल्स में बने रहने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के समर्थन में बात कही। अब वक्फ बोर्ड के समर्थन में राहुल गांधी जी बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि मजार परस्ती गांधी परिवार हमेशा से करता आया है, बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाना। राहुल गांधी जी जब भी इलेक्शन आता है वो अजमेर शरीफ वो जाते हैं जहां पर 1992 में कोठा और चकला और प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया गया था अजमेर शरीफ को। उस अजमेर शरीफ में वो जाकर के दुआ के हाथ फैलाते हैं और चादर चढ़ाते हैं और माता पटक पटक करके अपने जीत के लिए पीर बाबा से मन्नतें मांगते हैं। अब राहुल गांधी जी वक्फ बोर्ड के समर्थन में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक मुसलमान तुष्टिकरण की राजनीति और अपीजमेंट की राजनीति ये तो कांग्रेस का चरित्र रहा है। अब कांग्रेस अगर मुसलमानों को समर्थन ना करे और खास करके जिहादी मुसलमानों को अगर समर्थन ना करे तो ये जो 99 सीटें 40 सीटें 42 सीटें जो आ जाती हैं और राहुल गांधी कहीं ना कहीं से घूम फिर करके लोकतंत्र के मंदिर में एंटर कर जाते हैं पार्लियामेंट में, ये कैसे हो पाएगा पॉसिबल, ये तो हो नहीं पाएगा। तो अपनी गांधी परिवार और राहुल गांधी और सोनिया एंटोनियो और प्रियंका वाड्रा, ये जो गांधी, ये जो 3 लोगों का गांधी परिवार है, ये लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करके और जिहादी मुसलमानों को का समर्थन करके सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर अपनी सीट को फिक्स करते हैं और इनको पता है कि जिस दिन इन्होंने मुसलमानों का समर्थन छोड़ दिया उस दिन गांधी परिवार खत्म हो जाएगा भारत की पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स में इतिहास बन करके रह जाएगा। इसीलिए ये यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट के साथ भी दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, ये लश्करे तैबा से भी आराम से बात कर लेते हैं, ये चाइना के जितने भी टेररिज्म माइंडेड हैं जो भारत में बुरा चाहते हैं, भारत का बुरा करते हैं, उस चाइना के साथ भी सोनिया एंटोनियो जाम से जाम और वाइन का ग्लास खड़काती हुई नजर आती है और मल्लिका अर्जुन खड़गे गाहे बगाहे और राहुल गांधी ऐसे ऐसे उज़्बेकिस्तान और कतर के लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं जो भारत के विरोध में साजिशें रचते हैं और बाद में पता भी चल जाता है कि इस व्यक्ति जिसके साथ राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाया था वो भारत के विरोध में इकोसिस्टम देश में से बाहर बैठ करके चला रहा है। तो राहुल गांधी की मजबूरी है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने चेयर को बचाने के लिए और गांधी परिवार को सत्ता के चेयर पर रखने के लिए जिहादियों का समर्थन करना ये अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। एक वक्त था मुजफ्फर भाई जब नेता गुंडा पालते थे और अब एक वक्त आया है कि ये मुसलमान जिहादी गांधी परिवार को पाल रहे हैं और बचा करके ये कोई तो बोलता रहेगा जिहाद के समर्थन में और जिहादियों के समर्थन में,
बहुत मोहब्बत से ऐसे जिहादी और टेररिस्ट उन राहुल गांधी को पहुंचाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब इसके सिर्फ दो मिसालें मैं आपको दूंगी और फिनिश करूंगी। पहली मिसाल कि अगर राहुल गांधी का जिहादियों से कोई कनेक्शन नहीं है तो जिन्ना की कोख से जन्मा हुआ मुस्लिम लीग इंडी अलायंस और कांग्रेस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और वो भी ऑफिशियली पेपर पर मुस्लिम लीग। अगर वाकई में राहुल गांधी के पास अगर सच में कोई भी सत्य का आधार है तो मुझे बताएं कि क्या उन्होंने पीएफआई को फंडिंग नहीं की है, जो एक इस्लामिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है केरला में, फंडिंग नहीं की है? बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, हर हाल में की है, और भारत की शांति को खत्म करने के लिए फंडिंग की है, ताकि जो नेहरू का बनाया हुआ राजनीति था डिवाइड एंड रूल का वो चलता रहे और मुसलमान जिहादियों के समर्थन से गांधी परिवार सत्ता पे बैठे, या अगर सत्ता पे ना बैठ सके तो कम से कम फियर पर रहे और पॉलिटिक्स में जिंदा रहे। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से सारे ताने बाने मिलाए हैं कि किस तरीके से ये सारा नेटवर्क चल रहा है, कि पहले जमीन हासिल करो, उसके बाद जो मजार होता है वहां पर भी जो मुसलमान जाते हैं, विजिटर जाते हैं, जो हाजिरी देते हैं वो भी पैसे डालते हैं, वो भी ये सारा इकट्ठे करते हैं, वो सारा कुछ ये फिर माल पानी इकट्ठा होता है तो वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वक्फ बोर्ड के जो अहदेदारान हैं, ये पाकिस्तान के अंदर मुझे याद आया, पाकिस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं है लेकिन महकमा औकाफ जरूर है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के अंडर है, वो इन लोगों के अंडर नहीं है, वो गवर्नमेंट के अंदर वो जितनी रेवेन्यू, लेकिन कुछ मजारात ऐसे हैं कि जो उनके जो गद्दी नशीन है वो उनसे पैसा भी हासिल करते हैं और उन्होंने जगह भी उनके कब्जे में है। बहुत बड़े नाम है जैसे शाह महमूद कुरैशी है, इस तरीके से और भी पॉलिटिशियन है, यूसुफ रजा गिलानी है, सिंध के अंदर बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो गद्दी के हैं और वो बड़ा माल पानी वो इकट्ठा करते हैं। तो ये काम इधर पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर जैसी आपने दास्तानें सुनाई हैं वो तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि इतनी ज्यादा जमीन उन्होंने ली है और इतने ज्यादा मजारात उन्होंने वहां पर बना रखे हैं और वो सारा का सारा चक्कर सिर्फ पैसे का है और पावर का है। तो आपका बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तानी लोग भी देख रहे हैं, जो इंडिया के लोग भी देख रहे हैं, उनको ये सारी चीजें समझ जानी चाहिए कि ये जो इस्लाम का एक नाम लेकर के अपनी मजलूमियत का ढिंडोरा पीट कर ये लोगों की हमदर्दियां भी लेते हैं और लोगों की जमीनें भी हड़प करते हैं, तो आप इनकी जरूर जो पहचान करें कि ये लोग जो हैं वो ना तो इस्लाम के मुखलिस हैं और ना ही ये भारत और पाकिस्तान के मुखलिस हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ भारत के सबसे बड़े लैंड माफिया यानी वक्फ बोर्ड को एक्सपोज किया बल्कि जो राहुल गांधी है उनकी भी जमकर पोल खोली और उनको आड़े हाथों लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।